अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल द लास्ट वीक वी हैव स्टडीड साइंस स्किल्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, एंड वी हैव स्टॉप्ड टिल पेज नंबर 4 एंड फिजिक्स डेफिनेशन. सो फॉर टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेबोरेटरी सेफ्टी. स्टूडेंट्स, एज we are studying about science skills and we are talking about different branches of science. So here I will tell you that different experiments that are required to perform, definitely they are performed in the laboratory. And for anything you are using, there are some instructions. Similarly for that, there is also for laboratory too. For your general information, here I will tell you that for every subject, for every field of science, either it's physics, either it's biology, or it's chemistry, we have different laboratories. According to chemistry, the laboratory will have chemicals, flames, burners, different types of instruments that are required in our chemical lab. For biology, there will be different types of specimens. स्पेसिमन्स टर्म यूज़ होती है बायोलॉजी में, डिफरेंट किस्म के जो हमारे एनिमल्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स हैं जिनको हमने प्रिजर्व किया होता है. लिजर्ड है, इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की फिशेस हैं, बहुत सारे जो सैंपल्स जिनको हमने प्रिजर्व किया, वो अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, लेकिन हमने उन्हें प्रिजर्व किया होता है डिफरेंट केमिकल्स लगा के, उन्हें डिफरेंट बॉटल्स में डाल के उन्हें हमने प्रिजर्व किया होता है, उन्हें हम स्पेसिमेंस कहते हैं और ये टर्म बायोलॉजी में यूज़ होती है. सो इन बायोलॉजी लैब देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस, स्केलेटन्स, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स विल बी इन द लैब ऑफ बायोलॉजी. एंड कंसर्निंग फिजिक्स, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज़ इन फिजिक्स, लिवर, मेयरिंग गेजेस, such type of instruments. So for any kind of laboratory where you are working, there are some rules, there are some general instructions. So here notice these two figures, there is a big difference in these two figures. Note it. Here in the second picture, this boy is using goggles, okay, and here he is not using goggles. When you are working on the flame in the laboratory, you have to use goggles because sometimes there are some chemicals that can catch fire. So it can cause any type of blast. So you have to save your eyes. Most of the time, we are unaware of these general instructions, but these are mandatory. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है हर चीज़ से. सबसे ज़्यादा अहम आपकी लाइफ है, ठीक है. तो आपने जब भी किसी किस्म का कोई ऐसा काम करना है, जब आपने फ्लेम यूज़ करना है, यहाँ पर वो यूज़ क्या कर रहा है, बर्नर, इट्स अ फ्लेम. जब वो फ्लेम यूज़ कर रहा है और वो क्या है ना, उसने कोई आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लगाया हुआ है, ठीक है. कैसे पास नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, दे आर रैंडम. सिमिलरली ये उसने ऊपर बीकर रखा हुआ है और वो गिर रहा है, अंदर से जो लिक्विड है वो स्प्लैश आउट हो रहा है, ठीक है. इसी तरह तो आपने क्या करना है, अपने आप जो हैं वो गॉगल्स पहनने हैं. उसके बाद ये नोट दिस गर्ल, इसने क्या है, बाल खुले हुए हैं. जब भी लैब में जाते हैं, लेबॉरेटरी में जाते हैं, हमेशा हेयर्स टाई अप करके जाते हैं, कभी भी बाल खुले नहीं छोड़ते. इस पिक्चर में इसके बाल टाई अप है. अब इधर इसको देखें, ये जो है, ये नाउ नोट दिस, ये दोनों बॉयज़ क्या हैं, आपस में ही जो है वो दे आर जस्ट लाइक क्वारलिंग. और इस तरह की कोई चीज़ लैब में नहीं होती. आप बहुत साइलेंटली, पोलाइटली, आराम से अपना काम करते हो, किसी किस्म का हैपहैज़र्ड नहीं होता. सिमिलरली नोट दिस बॉय टू, यू हैव टू वियर लैब कोट व्हेन यू आर वर्किंग इन द लैब. जहाँ पर क्या है, कितने वो, ये देखें, ये इसने कोई पेपर से कोई चीज़ बनाई है
और ये फ्लेम ऑन था, और जैसे आप लोग घर में खेलते हो फ्लेम ऑन करके भी, कभी कुछ जला लिया कभी कुछ जला लिया, सिमिलरली वो लैब में ये काम कर रहा है, इधर देखें। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये इस तरह यहाँ पर देखें। अब ये क्या है, बहुत इंजॉय करते हुए, और ये एक लिक्विड है जो वो किसी और कंटेनर में ऐड कर रहा है, और इधर वो लिक्विड गिरा हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लैब में नहीं करनी होती, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। लैब में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की बर्निंग कॉज कर सकते हैं, और इवन ब्लास्ट कॉज कर सकते हैं, ये फायर कैचिंग भी होते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने जो है वो आपको यही कहा है कि इन दो पिक्चर्स में डिफरेंशिएट करें, और आपने ख़ुद से क्या लिखनी है, इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, व्हाट यू शुड डू इन द लैब और नॉट। ओके सो इससे रेलेवेंट एक आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जब होमवर्क दूंगी तब मैं वो क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड करूँगी। ओके